बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं दिलचस्प और मालूमती वीडियो। दोस्तों, आज मैं आपको जिस जगह पे लेके आया हूं, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह है जिसे देखने के लिए सयाह दूर दराज के इलाकों से आते हैं। इसे कहते हैं कुंडलशाही वाटरफॉल। जब आप वादी नीलम आते हैं तो वादी नीलम 8 मकाम से पहले कुंडलशाही का मकाम है। वहाँ पे अगर आपने वाटरफॉल का नज़ारा नहीं किया तो आपने वादी नीलम का टूर जो किया वो किसी काम का नहीं। इंतहाई खूबसूरत नज़ारा, कुदरत का शाहकार। दूर दराज से लोग आते हैं, यहाँ आकर इंजॉय करते हैं और अल्लाह के इस शाहकार को देखते हैं। यकीन जाने, मैंने भी देखा, बहुत खूबसूरत नज़ारा है और दीदनी है और देखने के काबिल है। क्या खूबसूरत शाहकार है। आप आएँ और वादी नीलम में आएँ तो कुंडलशाही वाटरफॉल का ज़रूर नज़ारा करें। आपको इससे कबल जो आपने दुनिया के बेहतरीन मकामात देखे होंगे वो आप भूल जाएंगे। यकीन जाने, कुंडलशाही वाटरफॉल एक खूबसूरत मकाम है और देखने की जगह है। आप इससे पहले जो मकामात देख चुके हैं वो दीदनी होंगे, खूबसूरत होंगे, मगर ये भी किसी से कम नहीं है। पानी इंतहाई साफ शफाफ है और इतनी स्पीड से पानी निकल रहा है। हम पानी से इतने दस फूट खड़े हैं, मगर इसके बाद जो पानी की चीते हैं पूरी हजरा हवा पानी से मुखर है और हम यूँ लग रहे हैं जैसे हमारे ऊपर कोई हमारे से पानी फेंक रहा है। और खूबसूरत दिलचस्प मंजर है। यकीन जाने, मैं कहता हूँ कि अगर किसी ने नीला वैली आकर कुंडलशाही वाटरफॉल को नहीं देखा तो उसने कुछ नहीं देखा। नाज़रीन, जुलाई 2018 इतवार का वो बदकिस्मत दिन था जब लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल और दूसरे शहरों के से ताल्लक़ रखने वाली यूनिवर्सिटी की तलबा और तालबात इसी वाटरफॉल पे नज़ारा करने आए और अपनी तस्वीर बनाने के लिए जैसे ही वो सारे के सारे लोग पुल के ऊपर जो लोहे का बना हुआ था खड़े हुए तो वज़न ज़्यादा होने की बिना पर वो पुल कोलैप्स हो गया, टूट गया और उसमें से बहुत सारे तुलबा उस पानी में बह गए। कुछ को ज़िंदा बचा लिया, कुछ लापता हो गए और कुछ की लाशें भी निकाल ली गईं। उस दौरान ये एक छोटा बच्चा साइम नाम का, जो बार बार उन लोगों को, उन बच्चों को, उन स्टूडेंट्स को ये कह रहा था कि ज़्यादा वज़न है यहाँ पे, अलाउ नहीं ज़्यादा वज़न, आप लोग नीचे आ जाएं, पुल टूट जाएगा, खदाना खास्ता कुछ नुकसान हो जाएगा। ये बच्चा बार बार वहाँ पे खड़े होकर इन लोगों को पुकारता रहा और इसके बावजूद के उन लोगों बच्चों ने जो वहाँ तस्वीर बना रहे थे इस छोटे बच्चे की बात पर तवज्जो ना दी और वही हुआ जिसका खदशा था, पुल टूट गया। ताहम इस बच्चे ने जो अभी छोटा था हिम्मत की और उनमें से कुछ तलबा और तालबात को रेस्क्यू किया, बचा लिया, जिसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान ने इस बच्चे की शुजात के ऊपर पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज तमगाए शुजात इस बच्चे को दिया। उन तालिब इल्मों को रेस्क्यू करते हुए, बचाते हुए ये साइम नामी बच्चा खुद भी जान की बाजी हार गया। इसकी शुजात को इकनॉलेज करते हुए, इसकी बहादुरी की दाद देते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने सबसे बड़ा एजाज तमगाए शुजात इस बच्चे के नाम दिया और ये आज तक का सबसे कम सन तरीन बच्चा है जिसे तमगाए शुजात मिला। यकीनन अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर तरह की नेमतों से मालामाल किया हुआ है और उसका एक जिंदा और जावेद सबूत आपके सामने है। आप देख रहे हैं कुंडलशाही वाटरफॉल। यकीन जाने, मैंने आज तक इसे खूबसूरत पॉइंट, इस तरह की खूबसूरती मैंने आज तक नहीं देखी और ये एक कुदरत का हसीन मंजर, हसीन नज़ारा है जिसे आप जितना देखते हैं आप देखते ही जाते हैं। ये पानी जो सीधा
बाल की सूरत में नीचे आ रहा है और इसके कतरे दूर दूर तक हवा में जा रहे हैं और आप देख सकते हैं इसको और नज़ारा कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।